हेलो व्यूअर, हाउ आर यू? दिस इज अजरा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अजरा ब्यूटी पार्लर। व्यूअर, आज मैं आपके साथ व्हाइट पीकॉक मेकअप शेयर करने जा रही हूँ जो कमाल का है, अमेजिंग है। सो इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो में न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको जल्दी से प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं ब्यूटी और मेकअप से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले अपना फेस वॉश करके ड्राई होने दो, उसके बाद प्राइमर यूज़ करेंगे। मैं ग्लैमर का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। प्राइमर को लेके अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लें। प्राइमर के लगाने से क्या होता है, जो आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह हैं वो ब्लर हो जाते हैं और जो आपको स्वेटिंग का इशू हो रहा था, पसीने वगैरह आ रहा होता है तो वो स्टॉप कर देता है उसको। उसके बाद मैं क्राइलॉन की पेन स्टिक यूज़ कर रही हूँ जिसका नंबर है 38 नंबर है, FS 38। जहाँ टू टोन हो रहा है फेस मेरा वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी इस 38 नंबर को, आइस के नीचे अप्लाई करूँगी और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा मैं वहाँ वहाँ पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना। उसके बाद मैं 45 यूज़ करूँगी FS 45 क्राइलॉन का। आपका अगर फेयर कलर है तो आप 45 यूज़ करेंगे, आपका डल है तो 38 यूज़ करेंगे और कीमोफ्लाज के लिए जैसे स्पॉट्स वगैरह उसको छुपाने के लिए F 16 यूज़ करेंगे। उसके ऊपर आपको डायरेक्ट ये स्टिक यूज़ करनी है। इस पे बेस जब भी लगाएं तो टैपिंग करके लगाएं, अच्छी तरह से टैप करके लगाएंगे तो जो आपने जो लगाया है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी आपकी बेस। फेजिट का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का अप्लाई कर सकते हैं। तो फेजिट का कंसीलर मैंने लिया है और मैं आईज पर और आईज के नीचे और आईब्रोज के साइड पर, आईब्रोज के ऊपर जिस एरिया को हमें हाईलाइट करना होता है तो कंसीलर हम वहाँ अप्लाई करेंगे। नोज़ पर लगाऊंगी और चिन पर लगाऊंगी। बाद मैं क्राइलॉन का लूज़ पाउडर अप्लाई करूंगी। जो लूज़ पाउडर है ये TL 11 नंबर है, ये फेयर टोन के लिए होता है। आपका अगर फेयर टोन है तो TL 11 यूज़ करेंगे और आप अगर डल है या नॉर्मल है तो TL 6 यूज़ करें। आप लूज़ पाउडर अप्लाई करते हैं तो लगता है कि हैवी हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बिल्कुल नेचुरल है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नाज़ कया हूँ
चढ़ा हूँ गई होके तपत क्या कद मन में कि तड़ चढ़ा हूँ गई जी मुख गुठई सुना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।